हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम लोग लाइन एंड एंगल्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो लाइन का जो टॉपिक रहेगा आज हम लोग उस बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने कई सारी लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ की हुई हैं, मतलब कि यहाँ पर किस टाइप की टाइप्स ऑफ लाइन्स कितनी होती हैं, कौन कौन सी लाइन्स होती हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। मेरे हर एक लाइन को जो भी मैं बोलता हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं लाइंस के टॉपिक से रिलेटेड, उसमें आपको जो मैं बोलूँगा, जो मैं बताऊँगा वही आते हैं। बस आपको उन चीज़ों को समझना ये है कि किस तरीके से क्या करते हैं, कैसे क्या उनको समझना होता है, कौन सी चीज़ फिल इन द ब्लैंक्स में हमें फिल करनी पड़ेगी, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो से। मैंने कहा था हर चीज़ का मैं बेसिक्स लेके चलता हूँ। आप कभी भी जब ज्योमेट्री स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला लाइन से भी पहले आता है आपका पॉइंट। ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ मैंने बगल में पॉइंट बनाया भी हुआ है। अच्छा, पॉइंट होता क्या है? सबसे पहली चीज ये, कोई भी एक लोकेशन को, किसी खाली जगह पर अगर एक लोकेशन को हमें बताना है कि किस तरीके से हम इसको इंडिकेट करेंगे कि ये चीज यहाँ पर है, तो उसे एक छोटी सी पॉइंट, जो डॉट कह सकते हैं, जिसको एक छोटा सा डॉट यहाँ पर हम रख देते हैं कि ये मेरा घर यहाँ पर है। एक प्लान पेपर पे बहुत सारे घर बने हुए हैं, आपके घर के आसपास का लोकेशन का जो मैप है वो बना हुआ है, और आपसे पूछा जाए कि आपका घर किस जगह पर है, तो आप वहां पर एक छोटा सा पॉइंट रख दोगे कि ये घर मेरा है। तो जो पॉइंट हम रखते हैं, पॉइंट का सिर्फ इतना ही काम होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। पॉइंट एक डॉट, छोटा सा डॉट होता है, जिसे हम लोग पॉइंट बोलते हैं, वो भी एक प्लेन फिगर, प्लेन सरफेस पर बना हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपकी लाइन। अब यहां से स्टार्ट होती है लाइन के बारे में आपकी सारी बातें। लाइन का काम ये होता है, एक लाइन जो होती है एक इंडेफिनिट लेंथ की लाइन होती है। लाइन में कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती। सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला था, आप मेरी हर एक बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आपकी ये क्वेश्चंस जो है इसी तरीके से आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। अ लाइन हैज ब्लैंक रहेगा और फिर लगेगा लेंथ, तो डेफिनेट लेंथ नहीं होती, लिमिटेड लेंथ नहीं होती आपकी उस जगह पे। आप दो चीजों की जगह थर्ड ये भर सकते हो कि इन्फिनिट लेंथ, ठीक है, क्योंकि लाइन में कोई भी, जहां पर आपकी जो दो एरो बने हुए हैं, ए बी आपकी एक लाइन है और यहाँ पर दो एरो जो बने हुए हैं, ये आपको ये बताते हैं कि आप राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड किसी भी तरफ से आप इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो, और कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, जितना आप चाहते हो, ठीक है। तो लाइन की एक प्रॉपर्टीज ये हो जाती है, ठीक है, यही होती है आपकी लाइन टू पॉइंट्स में, जहां पर आप किसी भी पॉइंट्स को कितना भी एक्सटेंड करो। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, नो डेफिनेट लेंथ, ये चीजें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, यही प्रॉपर्टीज हैं। नो एंड पॉइंट यानी कि लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन की जो लेंथ होती है वो डेफिनेट नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन का ही एक टाइप होता है। लाइन के कई सारे टाइप होते हैं, तो लाइन के टाइप में ही एक ये टाइप होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जहां पर आपके दो पॉइंट्स है और एक लाइन सीधी ड्रॉ हुई है, ठीक लाइन की तरह ही लाइन सेगमेंट होती है। लेकिन होता क्या है, लाइन सेगमेंट लाइन की तरह होती तो है, लेकिन आपकी लाइन और लाइन सेगमेंट में छोटा सा डिफरेंस होता है। लाइन सेगमेंट को आप क्या करते हो, किसी भी पॉइंट से आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, लेकिन लाइन को आप अपने दोनों पॉइंट से, मैंने आपको क्या बताया था, जहां एरो बने हुए हैं वहां से आप उनको एक्सटेंड कर सकते हो, जिस जगह एरो बना है यानी कि आप उसको और ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हो, और कितना एक्सटेंड कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कोई भी डेफिनेट चीज नहीं होती कि आप यहीं तक जा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जहां आपको लेंथ डेफिनेट हो जाए, लाइन में क्या होता था, डेफिनेट लेंथ नहीं होती थी, लेकिन लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो डेफिनेट होती है, यानी कि आप इसको ना एक्स से आगे बढ़ा सकते हो, जहां पर एक्स लगा हो यहीं तक, और जो बाई लगा हो यहां तक, इसके आगे आप नहीं ले जा सकते, ना ही राइट हैंड से और ना ही लेफ्ट हैंड से, ठीक है ना। तो आप लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट ये है, अ लाइन सेगमेंट हैव टू एंड पॉइंट्स, जो लाइन सेगमेंट होती है उसमें टू एंड पॉइंट्स भी होते हैं। इसके बाद क्या है कि आपका जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ जो है वो डेफिनेट होती है। ये थ्री प्रॉपर्टीज आपके लाइन सेगमेंट से रिलेटेड होती है। इसके बाद हम लोग चलेंगे रे की तरफ, आर ए बाई, इसको मैं बता दूं लाइक अ सन रे, हम लोग बोलते हैं ना सन रेज हमारे स्किन पर आ रही हैं, तो रे ही क्यों बोलते हैं उसे, सन लाइन क्यों नहीं बोलते या सन लाइन सेगमेंट क्यों नहीं बोलते, उसका एक रीजन है। रे का मतलब ये होता है कि जिसका वन एंड पॉइंट होता है, कितना एंड पॉइंट होता है, वन एंड पॉइंट होता है, एंड वन एंड पॉइंट होगा, और पॉइंट्स तो दो रखे हुए हैं ना, पी और क्यू आप यहां देख रहे होंगे, लेकिन वन एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ एरो लगा हुआ है, यानी कि
रे को आप किसी भी एक तरफ से, वन एंड पॉइंट होगा तो उस तरफ से तो कुछ नहीं होगा, जो एंड पॉइंट के अलावा दूसरा पॉइंट होगा उस तरफ से आप उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, उसकी भी लेंथ निश्चित नहीं होती। बस एक सोर्स ऑफ रहता है कि वो यहां पर एक एंड पॉइंट रहेगा जहां से वो निकलेगी। जैसे आपकी सन रेज जो आती है वो कहां से आती है, सन से ही तो आती है। सन से, सन जहां पर होगा वहां उसका एंड पॉइंट होगा, और सन से लेकर वो इस अर्थ के किसी भी पार्ट तक जा सकती है जहां उसका मन करे, उसको कितना भी एक्सटेंड। जो चीज ज्यादा ऊपर होगी वो उसे वहीं पर मिल जाएगी, और जो ज्यादा नीचे होगी वो उसको उतना ही नीचे लेकर आएगी। यानी एक्सटेंड वो अपने अकॉर्डिंग होगी, ना कि आपके अकॉर्डिंग। इसीलिए रे की भी कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एक एंड पॉइंट के बाद उसको किसी भी, जो एक पॉइंट होता है उसको कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक सीधा सीधा छोटा सा पॉइंट बनता है रे का, रे हैज वन एंड पॉइंट। सबसे अच्छी बात यही है, और इसका एक ही बनता है ये, और आप इसको अच्छे से याद कर लेना, रे हैज वन एंड पॉइंट, और यही आपका फिलिंदा ब्लैंक्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका पैरेलल लाइंस। मैं आपको बता दूं कि आपका ऐसा कोई प्रॉपर्टीज एंट्रेंस एग्जाम्स में नहीं आती है, लेकिन फिर भी बताना मेरा काम है, क्योंकि बुक्स जो आपके स्कूल्स में चलती हैं वहां पर ये क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप बुक्स से भी ना छूटे और आपका एंट्रेंस एग्जाम का भी कोई क्वेश्चन ना छूटे। इसके लिए मैं आपको बेसिक्स और एंट्रेंस, थोड़ा स्टैंडर्ड जो रहता है क्वेश्चंस का, मैं दोनों बताता हूं, ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चंस में। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस आप ये समझ लीजिए कि कोई दो चीजें बराबर से चल रही हैं, बस वो एक दूसरे को कहीं भी किसी भी एक पॉइंट पर मीट ना हो, यानी मीटिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए उनका, बस वो एक कंटिन्यू एक ही दिशा में लगातार चले। जैसे आप यहां देख रहे होंगे सी डी और ए बी, ये इस तरफ जा रही है, यानी ये दोनों लाइन है, देखिए आप किसी भी जगह टच नहीं होंगी, लेकिन इनकी जो जाने का वे है, पैथ जो है वो एक निश्चित है कि ये इस तरीके से जा रही है। सेकंड क्या है, ये जो थोड़ी सी तिरछी है, तो दोनों ही तिरछी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको पैरेलल नहीं बोल सकते कि एक लाइन ऐसी जा रही है और एक लाइन ऐसी जा रही है और आप ये कह दो कि ये आपकी पैरेलल लाइन है। नहीं, लाइन एक ही डायरेक्शन में जानी चाहिए, जिस डायरेक्शन में एक लाइन जा रही है सेकंड लाइन भी उसी डायरेक्शन में जानी चाहिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हम ऐसी लाइन्स को बोलेंगे पैरेलल लाइन्स। ठीक है, पैरेलल लाइन्स का ये ध्यान रखना कि कोई भी मीटिंग पॉइंट्स नहीं होता है, बस इतना सा एक छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आपका इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन का जो है एक क्रॉस की तरीके से होता है, कि कहने का मतलब यह है कि दो लाइन, कोई भी टू लाइंस जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वो एक मीटिंग पॉइंट पर मिलती हैं। जैसे यहां पर मैंने यहां पर ओ मारा है मीटिंग पॉइंट, तो जिस जगह वो मिलती हैं वो होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और जब ये क्रॉस होती हैं दो लाइंस तो इन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर जाए, यानी कि कुछ इस तरीके से बनी हो, तो उन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ठीक है, छोटी सी दो चीजें और हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। ये क्लास थर्ड के क्वेश्चंस में एकदम बेसिक्स रहता है कि अगर कोई लाइन इस तरीके से ड्रॉ की हुई है, मतलब कि इस तरीके से ड्रॉ की हुई है, तो इसे हम कौन सी लाइन बोलेंगे? तो हम इसे लिखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी। ठीक है, यदि इफ अगर लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ है, स्ट्रेट एकदम खड़ी हुई, तो उसे हम वर्टिकल लाइन बोलेंगे, वर्टिकल लाइन ए बी। एक लाइन और होती है कुछ इस तरीके से तिरछी होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक, ऑब्लिक क्यूब। ठीक है, कुछ तिरछी से, जैसे कहीं भी आपकी सीढ़ियां लगी हुई है, एग्जांपल्स किस तरीके से देते हैं क्लास थर्ड फोर्थ में, कि कोई एक बिल्डिंग होगी उस पर इस तरीके से सीढ़ियां लगी होंगी, वो ये बोलेगा ये जो सीढ़ी लगी हुई है, लैडर्स लगी हुई है, वो आपकी किस लाइन को डिनोट करती है, तो आपको बताना पड़ेगा ऑब्लिक। जैसे आपके ट्राइंगल्स में भी जो ट्राइंगल बनता है आपका, ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनता है, तो आपकी ये वाली लाइन तो आपकी हो जाती है हॉरिजॉन्टल, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये आपकी हो जाती है ऑब्लिक लाइन। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग कि कहां पर कौन सी लाइन को हमें क्या बोलना है। ठीक है, तो ये रही आपकी ऑब्लिक लाइन। नेक्स्ट आपका क्या है, मैं यहां बना देता हूं, अभी ड्रॉ नहीं हुई है वो लाइन, और ये लास्ट ही है, फिर इसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज लिख दूंगा जिन्हें आप नोट कर लीजिएगा एक स्क्रीनशॉट लेकर के। एक होती है आपकी परपेंडिकुलर लाइन, जब ये कुछ इस तरीके से होती है, एक लाइन ये ऊपर से, ये एक नीचे लाइन होती है, और वहां पर एक ये इस तरीके से एक लाइन खींच दी जाती है, तो हम इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन।
आप ये एकदम स्ट्रेट होती है, यानी कि एक लाइन के ऊपर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक वर्टिकल लाइन कुछ इस तरीके से आ जाए, जो उसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, यानी कि एकदम स्ट्रेट डली हुई हो तो वो आपकी परपेंडिकुलर लाइन होती है। यही है एक लास्ट। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखूंगा जिन्हें आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ठीक है? या आप चाहो तो मेरे साथ नोट कर सकते हो, क्योंकि मैंने अभी नोट नहीं किए हैं, आप सीधा सीधा नोट करिए। अरे हैज, जैसा कि मैंने बताया था आपको, वही लिखना है, वन एंड पॉइंट, है ना? ये आप लोगों ने सुना है समझा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना समझा है तो एक बार आप इधर से चेक कर लीजिए। अलाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। ये पॉइंट्स जितने भी मैं लिखवा रहा हूं आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके फिल इन द ब्लैंक्स में बिल्कुल ऐसे ही कुछ पूछे जाते हैं, ठीक है ना? और ए लाइन has no end point, सिंपल है चीज है, लाइन्स को समझने में कोई ज्यादा टफ तरीका नहीं है। मैं भी आपको एक एग्जाम्पल भी बता दूंगा कैसे आप इन चीजों को पहचानोगे। अगर सीधा सीधा एग्जाम्पल में ऐसी ही लाइन्स बनी होती हैं, कुछ अलग से नहीं आता है उसमें, बस आपको बस ये चेक करना होता है कि जो लाइन ड्रॉ है वो लाइन किस तरीके की ड्रॉ हुई है इस वजह से, ठीक है? टू लाइन्स कैन इंटरसेक्ट, यानी कि जो मैंने इंटरसेक्टिंग लाइन आपको पढ़ाई है उसी के बारे में ये एक पॉइंट है, इंटरसेक्ट ओनली इन वन पॉइंट। यानी कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, मैंने क्या बताया था, उनका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, यानी वो एक ही होता है, दो लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही हो सकता है, वन से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसके लिए वो वन लिख दिया है कि वन पॉइंट होता है, ठीक है? इसके बाद वन एंड ओनली वन, केवल एक, मतलब एक से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू, आप लोग लिखते जाइए, अगर आप लोग लिख रहे हो तो तुरंत लिखते जाइए, टू गिवन पॉइंट। कहने का मतलब इस पॉइंट का यह है कि एक लाइन से सिर्फ और सिर्फ आप दो पॉइंट को ही एक लाइन में डिनोट कर सकते, मतलब वन एंड ओनली लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट, यानी कि दो दिए हुए पॉइंट से ही आपकी जो वो क्या बोलते हैं, जो आपका वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट, दो ही गिवन पॉइंट से आपकी एक लाइन जा सकती है। आप सोचो कई सारी लाइंस चली जाए, नहीं जा सकती हैं। अब पैरेलल लाइंस की बात होगी, जैसा कि मैंने आपको वो पॉइंट बताया भी था, लिखो इसलिए दे रहे हैं, पैरेलल लाइंस मीट्स एट नो पॉइंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनका कोई भी मीटिंग पॉइंट नहीं होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, इन्हें आप जल्दी से लिखिए फिर मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है? इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। तो समझने की चीजें यही है, लाइन में आपको कुछ भी ज्यादा विशेष नहीं है। ये प्रॉपर्टीज जो मैंने यहां पर लिखवाई है, ये एक तो प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जाती है, और देन आपसे ये जो फिगर बने हुए हैं लाइन इसी तरीके से ड्रॉ होगी ना, नेम कुछ भी लिखा हो सकता है, मैंने ए भी लिखा है वो एक्स वाई लिख सकते हैं, मैंने पी क्यू लिखा है वो आर एस लिख सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है और यही रहता है। आपसे जैसे पूछ लिया जाएगा ऐसी ही दो लाइन्स होंगी और आपको ये पैरेलल लाइन्स लिखा हुआ नहीं मिलेगा, और आपसे ये बोला जाएगा ये जी एच और ई एफ जो है आपकी वो किस तरीके की लाइन है, वट टाइप ऑफ लाइन्स, तो आपको वहां पर आंसर में ये लिखना पड़ेगा, इट्स अ पैरेलल लाइन्स। क्यों? आपको मालूम है कि कुछ इस तरीके से जब लाइन्स होती हैं जिनका कोई भी मीटिंग पॉइंट्स नहीं होता है वो आपकी पैरेलल लाइन्स होती हैं। सेकंड, कुछ इस तरीके से क्रॉस बनी हुई अगर लाइन आपको मिलती है, वहां आपसे ये पूछ सकते हैं वो कि ये आपकी कौन सी लाइन्स है पी क्यू और आर एस, तो आप वहां तुरंत आप बता सकते हो उनको कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। और आपसे अगर उससे उन्होंने ये पूछा कि आप यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताइए, किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी क्यू और आर एस का क्या है, तो आप तुरंत देखोगे उस जगह पे क्या लिखा हुआ है इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, उस पॉइंट को आप बता दोगे कि ओ इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इस तरीके से कोई लाइन ड्रॉ है, आपसे पूछे जाए किस टाइप की लाइन है, क्लास थर्ड में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उनको बोलोगे हॉरिजॉन्टल लाइन है,
इस तरीके की लाइन होगी, आप बोलोगे वर्टिकल लाइन है। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया भी था कि अगर एक ट्रायंगल्स में आपको ये ए बी सी लिखकर दे दें कि ए बी सी, और आपसे पूछा जाए ये ए बी लाइन कौन सी है, तो आप बोलोगे ऑब्लिक। मैंने आपको बताया ये लाइन जब कुछ तिरछी होती है उसे ऑब्लिक लाइन बोलते हैं। और बी सी आपसे पूछा जाएगा कौन सी लाइन है, तो आपको मालूम है जब लाइन कुछ इस तरीके से होती है तो उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, तो आप बी सी को बोलोगे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और एसी को फिर से ऑब्लिक लाइन बोलोगे। तो कुछ बस इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो इस चीज को, इस जो मैंने लाइंस एंड एंगल्स में भी लाइंस के बारे में आपको जितना बताया है, आप इनको बहुत अच्छे से एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी करिएगा ताकि आपको ज्योमेट्री में चीज़ों को प्रॉब्लम ना आए। और आपको जहाँ भी समझने के बाद भी कोई पॉइंट्स अगर आपको ऐसा लगता है जो छूट गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको मेरे साथ शेयर करिए, मैं आपका उस चीज़ का जो भी क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एंगल्स के साथ, तब तक के लिए आप लोग इसको स्टडी करिए अच्छे से, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।